ये क्या करना चाहते थे मुझे नहीं पता, इनका मकसद क्या था मुझे नहीं पता। मैं जिस सेल में रहता था, जिस जेल के सेल में था, उस सेल में दो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, दो कैमरे 24 घंटे। मैं कितने बजे उठा, कितने बजे बाथरूम करने गया, बाथरूम में कितनी देर रहा, फिर कितने बजे निकला, टॉयलेट में कितनी देर रहा, कपड़े बदले, फिर टीवी देखा नहीं देखा, खाना कितने बजे खाया, क्या खाया। 13 अफसरों के कमरे में मेरे सीसीटीवी कैमरे की फीड जाती थी, उनके टीवी के ऊपर आता रहता था, और 13 अफसर 24 घंटे मेरे को मॉनिटर कर रहे हैं। आप सोच के देखो, अगर आपको पता चले कि आपको कोई आदमी 24 घंटे मॉनिटर कर रहा है, आप कैसे जियोगे। आदमी होता है ना कि अपना रिलैक्स कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, सोने का मन किया सो गया, जागने, अगर आपको पता चले 24 घंटे कोई देख रहा है मेरे को, जीना मुश्किल हो जाता है। और मुझे बताया गया कि एक फीड उसकी पीएमओ में जाती थी, पीएमओ में भी दो टीवी लगे हुए थे जिसके ऊपर वो मॉनिटर कर रहे थे कि केजरीवाल सेल में क्या कर रहा है। तो इन्होंने पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश की, पर मैं अपना मेडिटेशन करता रहता था, किताबें पढ़ता रहता था, मेरे को इनसे कोई परवाह नहीं है। ऊपर वाले का आशीर्वाद है मेरे साथ, ताकत है मेरे अंदर, अंदर की ताकत है, क्योंकि सच्चे हैं हम लोग, सच्चाई की ताकत है हमारे अंदर। अब मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं, मेरे को भी निकलना है, मेरी फ्लाइट भी है। कल आए थे हम लोग दरबार साहब, गए मत्था टेका, बहुत बहुत आशीर्वाद मिला, बहुत आनंद आया। उसके बाद दुर्गियाना मंदिर गए, अब राम तीर्थ जाएंगे, आशीर्वाद लेंगे। यही बड़े बड़े संतों का, भगवान का आशीर्वाद है जो हमारे साथ है, और तो हमने क्या कमाया है। ये क्या करना चाहते थे मुझे नहीं पता, इनका मकसद क्या था मुझे नहीं पता। मैं जिस सेल में रहता था, जिस जेल के सेल में था, उस सेल में दो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, दो कैमरे 24 घंटे। मैं कितने बजे उठा, कितने बजे बाथरूम करने गया, बाथरूम में कितनी देर रहा, फिर कितने बजे निकला, टॉयलेट में कितनी देर रहा, कपड़े बदले, फिर टीवी देखा नहीं देखा, खाना कितने बजे खाया, क्या खाया। 13 अफसरों के कमरे में मेरे सीसीटीवी कैमरे की फीड जाती थी, उनके टीवी के ऊपर आता रहता था, और 13 अफसर 24 घंटे मेरे को मॉनिटर कर रहे हैं। आप सोच के देखो, अगर आपको पता चले कि आपको कोई आदमी 24 घंटे मॉनिटर कर रहा है, आप कैसे जियोगे। आदमी होता है ना कि अपना रिलैक्स कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, सोने का मन किया सो गया, जागने, अगर आपको पता चले 24 घंटे कोई देख रहा है मेरे को, जीना मुश्किल हो जाता है। और मुझे बताया गया कि एक फीड उसकी पीएमओ में जाती थी, पीएमओ में भी दो टीवी लगे हुए थे जिसके ऊपर वो मॉनिटर कर रहे थे कि केजरीवाल सेल में क्या कर रहा है। तो इन्होंने पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश की, पर मैं अपना मेडिटेशन करता रहता था, किताबें पढ़ता रहता था, मेरे को इनसे कोई परवाह नहीं है। ऊपर वाले का आशीर्वाद है मेरे साथ, ताकत है मेरे अंदर, अंदर की ताकत है, क्योंकि सच्चे हैं हम लोग, सच्चाई की ताकत है हमारे अंदर। अब मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं, मेरे को भी निकलना है, मेरी फ्लाइट भी है। कल आए थे हम लोग दरबार साहब, गए मत्था टेका, बहुत बहुत आशीर्वाद मिला, बहुत आनंद आया। उसके बाद दुर्गियाना मंदिर गए, अब राम तीर्थ जाएंगे, आशीर्वाद लेंगे। यही बड़े बड़े संतों का, भगवान का आशीर्वाद है जो हमारे साथ है, और तो हमने क्या कमाया है।